अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चिकन अरबियन स्टार्टर की रेसिपी। अरब में रह के अरब की रेसिपी नहीं बताया तो क्या किया, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। एकदम डिफरेंट फ्लेवर आता है इसका और बहुत ही मज़े की लगती है, और आपने ढाबे पे भी बहुत बार ये रेसिपी देखी होगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने 1 kg बोन वाले चिकन ले लिए है। इसे अच्छे से वॉश करना है, इसका पानी हमें बिल्कुल निकाल लेना है क्योंकि इसे हमें मैरिनेट करना है। तो मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 3 tablespoon दही। फ्रेश दही का यूज़ करिएगा, नहीं तो आपकी जो रेसिपी वो खट्टी बन सकती है, तो फ्रेश दही का यूज़ करिएगा। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 tablespoon वाइट पेपर पाउडर, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, 1 teaspoon काली मिर्चों का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, और देखिए 5 से 6 हरी मिर्चों को इस तरीके से क्रश करके मैंने ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चिकन मैगी क्यूब, ज़रूर ऐड करिएगा। ये पाउडर के उसमें भी फॉर्म में मिलता है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और 1 teaspoon ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, क्योंकि जो ये मैगी क्यूब होता है ना वो बहुत सॉल्टी होता है, और आगे भी हमें इसकी ग्रेवी बनाना है, जो क्रीम बनाना है ना वो भी थोड़ा सॉल्टी होगी, तो हिसाब से आप नमक चेक करके ऐड करिएगा। इसी के साथ 2 tablespoon मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल, और 3 tablespoon फ्रेश क्रीम। अब इन सबको ना अच्छे से हमें हाथों का यूज़ करके जो है मिक्स कर लेना है, और मैरिनेट करके तकरीबन 15 मिनट के लिए साइड पर रखना है। एकदम ज़्यादा हमें इसे मैरिनेट करके नहीं रखना है, अगर आप रखना चाहे तो रख सकते हैं ओवरनाइट भी, लेकिन मतलब ये बहुत कम टाइम में बनने वाली रेसिपी और फटफट बनने वाली रेसिपी है। देखिए मैरिनेशन इसका हो गया है, देखिए पूरा नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है ये, और रेसिपी बनने में भी बनने के बाद भी इतनी ही टेस्टी होती है। अब इसे ना हम साइड पर रख देंगे 15 मिनट के लिए, और उसके बाद जो है हम इसे कुक करेंगे। आप चाहे ना तो इसे जो है तंदूर में भी कुक कर सकते हैं, ओवन में भी कुक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कैसा बताऊँगी कि मैं इसे कैसे कुक कर रही हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें थोड़ा हल्का सा ऑयल जो है ग्रीस कर लेना है, ऑयल को अच्छे से फैला लेना है, क्योंकि ये बावर्ची की ओरिजिनल रेसिपी है, तो बावर्ची वगैरह जो होते हैं वो तंदूर उस पर जो सिगड़ी होती है ना उसके ऊपर इसे कुक करते हैं, तो घर सबके घर में तो अवेलेबल नहीं होता होगा, लेकिन अगर ओवन है तो आप ग्रिल कर लीजिए इसे चिकन को, तो बहुत मज़े की बनेगी। अब देखिए क्या करना है ना, बिगर चलाए हुए इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए ऐसे ही कुक होने देना है। गैस की फ्लेम को हमें रखना है मीडियम लो पे। देखिए कितने अच्छे से पक रही है हमारी रेसिपी। अब देखिए यहाँ पे पानी भी इसका रिलीज हो रहा है, बस हल्का सा मैंने इसे सेट कर दिया है ताकि सारे चिकन इक्वली कुक हो जाए, और इसे तब तक कुक करना है जब तक इसका पानी अच्छे से हम जो है ड्राई ना हो जाए। अब ये स्टेज पे हल्का सा मैं इसे चला रही हूँ ताकि दूसरी साइड से भी हमारा चिकन कुक हो जाए, और बहुत इजीली कुकर जो है ना चिकन कुक हो जाता है। अब इसमें बेनिफिट हमारा ये है कि हमें बोनलेस चिकन की ज़रूरत नहीं है, हम जो है हड्डी वाले चिकन से ही इसका अच्छे से अच्छा स्टार्टर बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार बनता है। अब देखिए इस तरीके से चेक करते रहिए एंडिंग में। देखिए जो इसमें है ना स्पाइसी है ना, जो है काली मिर्चों का पाउडर, वाइट मिर्चों का पाउडर, तो ये थोड़ा स्पाइसी होता है। अगर ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं तो आप अपने हिसाब से जो है ये मसाले ऐड कर सकते हैं। अब देखिए हल्का हल्का ये ब्राउन होने लगा है, तो ये स्टेज पे हम इसे निकाल के ठंडा कर लेंगे। अब ठंडा करने के बाद देखिए इस तरीके से 6 स्टिक के अंदर हमें इसे ऐड करके और इसे इस स्मोकी फ्लेवर दे देना है। और जो हमने तंदूरी चिकन के लिए जो स्टैंड यूज़ करते हैं ना, गोल वाला, सर्कल वाला, स्क्वायर वाला, तो आप उसके ऊपर भी इसे आराम से चिकन को रख के स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं। ज़रूर ये जो है स्टेप करिएगा, स्किप मत करिएगा। देखिए इस तरीके से हल्का हल्का स्मोकी फ्लेवर देने के बाद अब मैं इसका सॉस ऐड जो है हमें बनाना है। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी 2 tablespoon जो है सॉल्टेड बटर, अमूल बटर का यूज़ करिएगा। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाए ना, तो फिर इसके अंदर हमें ना ऐड करना है 4 tablespoon फ्रेश क्रीम। बस इतना ही प्रोसीजर है इसका। हम और गैस की फ्लेम को ना ये स्टेज पे एकदम लो करके रखिएगा, ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा, और क्रीम को अच्छे से चलाते रहिएगा, नहीं तो क्रीम हमारी फट सकती है। देखिए ये अच्छे से हमारी क्रीम रेडी हो चुकी है। अब क्या करना है, चिकन को एक ट्रे में हमें सेट कर लेना है इस तरीके से, और जो हमारे सॉस है ना अब हम इस पर ऐड करेंगे।
बहुत बेहतरीन बनके ये चीज़ जो है ना रेसिपी हमारी रेडी हो गई है। ये अरबियन स्टार्टर की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़े की लगेगी और रमज़ान मुबारक में आपकी वाहवाही हो जाएगी जब आप ये रेसिपी बनाएंगे। देखिए जब अभी आपको नज़र आ रहा होगा जो क्रीम है बहुत पतला, लेकिन जब ये थोड़ा सा ठंडा होएगा ना तो ये गाढ़ा हो जाएगा और चिकन पर अच्छे से सेट हो जाएगा। तो बिल्कुल मत घबराइएगा क्योंकि मेल्ट जो हमारा बटर है वो मेल्ट हो गया है, क्रीम मेल्ट हो गई है, तो ये फॉर्म उसका नहीं है। और रमज़ान मुबारक की अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, उससे आने वाली सबसे पहले रेसिपी आपको मिलेगी। देखिए इस तरीके से क्रीम मैंने और साइड पे रख दी है, जब मैं सर्व करूँगी फाइनली तो वापस से ऊपर से ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है ये कोरिएंडर गार्निश कर रही हूँ ऊपर से, और थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करूँगी चिली फ्लेक्स खूबसूरती के लिए। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ऐड करना है कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है टोटली। और यहाँ पे रेडी हो गया है, देखिए रेडी है हमारा मज़ेदार सा अरेबियन स्टार्टर की रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़े का लगेगा। अगर आपको मेरे अरेबियन स्टार्टर की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिए, उससे आने वाली सबसे पहले रेसिपी आपको मिलेगी। और प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए, तब से मुझे पता चलेगा आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। और अगर आपको मेरे से मुझसे कोई रेसिपी चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी और मेरे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरी चैनल को जो है आगे बढ़ाइए। तो चलिए चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।